सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है कई बार बहुत देर से मिलती है जिसके कारण आप वीडियोस नहीं देख पाते। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पर ज़रूर जाके देखें, वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस सेम डे अपलोड कर दी होती हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको देख कर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 61 एंड इट इज़ ओनली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। इट हैज़ टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर पावर शेयरिंग एंड वी विल रिवाइज दिस चैप्टर इन दिस वर्कशीट। एज यू ऑल नो कि अब हमारा बोर्ड का जितना भी सिलेबस है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुका है। अब हम जितने भी हमने लेसन्स को पढ़ लिया है, जितने भी चैप्टर्स को पढ़ लिया है, उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी के अंदर अब हम पावर शेयरिंग को रिवाइज करेंगे। और इसमें भी हम वन मार्कर क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइंड फ्रेज। तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें एक अंडरलाइंड फ्रेज है, वो गलत है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है और फिर इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है। वॉट इज द स्टेटमेंट? इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकग्नाइज तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। तो आप बताइए कि क्या ऐसा हुआ था कि 1956 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया था श्रीलंका में? नो, सिन्हा, इसका आंसर है सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया था। तो आपको दोबारा से लिखना है कि 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तमिल्स इन श्रीलंका फेल्ट अलाइनेटेड बिकॉज, देखिए तमिल्स अपने आप को अलग थलग समझने लग गए थे श्रीलंका में, क्यों, आखिर ऐसा उसका क्या कारण था? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? फर्स्ट रीज़न इज एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो एक उसका रीज़न था ही। आप बताइए कि जो सिन्हाला था उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया था? यस। सेकेंड इज द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala's applicants for university position and government jobs. Yes, this is also a reason. Third is a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. यानी एक नया संविधान बनाया गया जिसके अंदर बुद्धिज्म को ही वो जो कंट्री है वो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी और उसको आगे वो बढ़ाएगी भी। तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड इट। तो सही ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर इज नोन एज, देखिए एक ऐसा वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट यानी एक ऐसा जो है, वॉयलेंट का मतलब बहुत ही लड़ाई झड़ाई वाला जो संघर्ष है, वो अगर दो ऑपोजिंग ग्रुप में एक ही कंट्री के अंदर हो और इतना ज़्यादा गहरा हो जाए कि वो एक वॉर जैसा लगने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर, क्योंकि वो विद इन अ कंट्री होता है, इसलिए हम उसको सिविल वॉर बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन। देखिए आपको क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो असर्शन, जो भी स्टेटमेंट लिखी है और जो उसका रीज़न लिखा है, उसको कम से कम दो या तीन बार रीड आउट जरूर करना है। और उसकी जो ऑप्शंस होती हैं वो कैसी ऑप्शंस होती हैं कि आपको बोला जाएगा कि जो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं, रीज़न और असर्शन दोनों, वो दोनों ट्रू हैं यानी सही हैं, और
दोनों में आपस करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मैच है। सेकेंड ऑप्शन होती है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो हैं तो दोनों सही, लेकिन उन दोनों में आपस में कोई मैच नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन होती है कि ऊपर जो असर्शन है वो राइट है और जो रीज़न है उसका वो इनकरेक्ट है। और चौथी ऑप्शन होती है कि जो असर्शन है वही गलत है लेकिन उसका रीज़न सही है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास होती हैं। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए असर्शन इसमें लिखा है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स, यानी जो सिन्हाला और तमिल के बीच जो संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था और बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस हो गया था। इसका रीज़न क्या था? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म इन श्रीलंका, यानी इसका रीज़न ये बताया गया कि एक नया जो संविधान बनाया गया था उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि जो राज्य है यानी श्रीलंका है वो बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो देखिए ये इसका वन ऑफ द रीज़न था। तो हालांकि इसके और भी रीज़न्स थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही रीज़न लिखा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि यही जो असर्शन ऊपर लिखी है उसका रीज़न यही था। इसलिए इन दोनों का आपस में देखिए दोनों बात सही भी हैं और दोनों का आपस में मैच भी है। तो चॉइस जो हमारी ऑप्शन होगी वो ए होगी, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आजकल एक और टाइप का क्वेश्चन भी आने लग गया, आपको एक कार्टून की फ़ोटो दे दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन द कार्टून या एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आपको पिक्चर को ध्यान से थोड़ा सा स्टडी करना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, इसमें एक जो इसमें पर्सन दिखा रखा है वो उन पर लिखा हुआ है पुतिन एंड जो अनदर पर्सन है उसके ऊपर लिखा हुआ है बुश, यानी ये दो स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एक रशिया और एक अमेरिका। तो पुतिन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं और जॉर्ज बुश जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि वो एक जो है हॉर्स को राइड कर रहे हैं जिस पर डेमोक्रेसी लिखा है। तो और उसमें साथ में एक डायलॉग बॉक्स भी है जिसपे लिखा है वी गॉटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर, मतलब जो सत्ता की बागडोर है वो हमारे पास ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या इसमें दिखाया गया, क्या डिपिक्ट किया गया है? थ्रू दिस कार्टून इट हैज़ बीन शोन दैट द प्रेजिडेंट्स ऑफ टू बिग कंट्रीज वॉन्ट्स टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी बट वॉन्ट्स टू कीप द पावर इन हिज हैंड्स। सो इफ देयर इज नो शेयरिंग ऑफ पावर देन इट विल नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि इस कार्टून के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी तो अपनाना चाहते हैं बट पावर को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। तो इसलिए अगर पावर की शेयरिंग नहीं होगी, ये हमने लेसन में भी समझा है कि अगर पावर की शेयरिंग नहीं होगी तो हम फिर इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है वो पावर शेयरिंग ही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1970 एंड 1993। तो देखिए हमने ये लेसन में समझा था कि जब बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इतना बढ़िया था कि बिटवीन 1970 एंड 1993 देयर आर ओनली 4 अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स का मतलब आप समझते हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना। तो अभी तक मतलब 1970 से 1993 तक वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 4 टाइम्स ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड इन श्रीलंका टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। तो सिन्हाला कम्युनिटी की डोमिनेंस को बनाने के लिए श्रीलंका में किस टाइप की गवर्नमेंट को चूज़ किया गया था, अडॉप्ट किया गया था? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब है जो लोग ज़्यादा होते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म होना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज विच टू मेन लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम। तो आप याद कीजिए हमने लेसन नंबर 1 में ये समझा था कि बेल्जियम में कौन सी मेन लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यस फ्रेंच एंड डच। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किस सोशल ग्रुप का पार्ट है, कौन सा शेयर है? तो आप देखिए सोशल ग्रुप क्या होते हैं, एक सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, यानी हर सोसाइटी, हर कंट्री की सोसाइटी
किसी ना किसी बेस पर डिवाइडेड होती है और उनको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं। तो श्रीलंका में हमें पता है कि लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड हो रखे थे ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। तो वहाँ पर सिन्हाला लैंग्वेज स्पोकन पीपल जो है वो लार्जेस्ट शेयर था उनका। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी टू कंट्रीज विद विच बेल्जियम शेयर्स इट बॉर्डर्स। तो वो दो कंट्रीज़ हैं फ्रांस एंड जर्मनी। और इसको तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो नाइन्थ में जब हमने हिटलर वाला लेसन पढ़ा था उसमें हमने मैप वर्क भी किया था और उसमें हमने देखा भी था कि बेल्जियम जो है वो फ्रांस और जर्मनी के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स पाइए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.